आप सभी दर्शक वृंद को मेरा प्रणाम। मैं प्रहलाद जी पंडित आपके समक्ष एक ऐसा एपिसोड पेश कर रहा हूं जो जीवन को में अगर उतारा जाए तो एक संदेश के रूप में आपके लिए एक रास्ता प्रशस्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका होगा। मैं कविता के माध्यम से इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया इसको श्रवण करें और इसका आनंद लें। सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ, चंदा कहता नहीं किसी से मैं शीतलता देता हूँ, बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ, बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ, आंधी कहती नहीं किसी से मैं आफत ढा देती हूँ, नाच दिखाकर खेतों में भी मोर प्राप्त करता है मान, बातों से नहीं किंतु कामों से होती है सबकी पहचान। ये अगर इस नीति को, इस संदेश को अगर हम जीवन में उतार लें तो हम जीवन में सदा अग्रसर ही होते जाएंगे, हमें छूने का कोई प्रयास नहीं करेगा, हम इतने ही आगे बढ़ जाएंगे। इसी में कुछ और पंक्तियां हैं जो दूसरे लय में है, अब वो भी प्राकृतिक पर आधारित है। जिस प्रकार से फलों के माध्यम से मनुष्य को संदेश दिया गया है, इसमें सुने यहां पर आप श्रवण करें। केले से नारंगी मीठी है उससे भी अधिक अनार, है अनार से मीठा होता किशमिश मेवों का सरदार, है अनार से मीठा होता किशमिश मेवों का सरदार, किशमिश से है मीठा अंगूर। देखिए एक दूसरे को से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में हम एक दूसरे से अगर आगे बढ़े तो जीवन में बहुत अग्रसर, बहुत आगे बढ़ जाएंगे और कुछ हम इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ जाएंगे। किशमिश मेवों का सरदार, किशमिश से है मीठा अंगूर, उससे मीठा होता आम, और सबसे मीठा फल मेहनत कर डटकर कर तू अपना काम। इसमें संदेश दिया गया है कि अग्रसर होने के लिए सीढ़ियों पर सीढ़ियों सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते एक दिन आदमी सेंटर पर डोम, यानी उस शिखर पर पहुंच जाएगा जहां पर उसको जाना था, उसे भी आगे उछल जाएगा। ये संदेश आपको मैं देते हुए मैं बड़ी प्रसन्नता अपने को महसूस कर रहा हूँ। मैं इस संदेश के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।